दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। कई बार इन बदलाव के कारण शरीर को कई तरह की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द की समस्या होने लगती है। इसका कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी होना। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दूध मिलाकर लगातार 3 दिन पीने से आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो आइए जानते हैं इन दो चीज़ों के बारे में। हम बात कर रहे हैं बादाम और तिल की। ये दोनों ही चीज़ें सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। साथ ही इन दोनों चीज़ों में कैल्शियम की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें इन दोनों चीज़ों का दूध के साथ सेवन। आपने क्या करना है, 4 बादाम लेने हैं और तिल ले लेने अपनी ज़रूरत के अनुसार, और 1 गिलास दूध लेना है। बादाम को 1 रात पहले पानी में भिगो कर रख दें और सुबह बादाम के छिलके उतार लें। किसी पैन में तिल को भून लें। तिल को दूध में उबाल कर इसका सेवन किया जा सकता है और इसके साथ बादाम को छिलका उतार कर आप साथ में खा सकते हैं। तो इसके जो फ़ायदे होते हैं दोस्तों, इस प्रकार हैं। इन दोनों के साथ सेवन करने से हड्डियां और मांसपेशियों में मजबूती आती है। इससे जोड़ और कमर और घुटने का दर्द दूर होता है। दांतों में मजबूती आती है और इसके साथ ही कोलोन कैंसर खतरा कम हो जाता है। बादाम और तिल खाने से शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीज इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। बादाम और तिल में आयरन होता है। ऐसे में इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। और बादाम और तिल का दूध के साथ सेवन करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। ऐसे में बाल लंबे, घने, मुलायम और शाइनी नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये थे दूध में बादाम और तिल मिलाकर खाने के फ़ायदे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।